अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। रायसिंहनगर नगर पालिका द्वारा मिस्त्री मार्केट एवं अन्य दुकानों से अवैध वसूली, 150 रुपये प्रति दुकान से स्वच्छता अभियान के नाम पर वसूली जा रही है। इससे दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। दुकानदार इकट्ठे होकर रोष स्वरूप SDM से नगर पालिका की मनमानी के बारे में बताया और नगर पालिका द्वारा की जा रही अवैध वसूली बंद करने की मांग की गई। ये ज्ञापन समाजसेवी मांगीलाल ओझा व मिस्त्री मार्केट के अध्यक्ष महेंद्र लाल के नेतृत्व में SDM को सौंपा गया। बबलू भाटी सहित अनेक दुकानदार भी इसमें शामिल हुए। अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मांगीलाल ओझा जी से वार्ता करते हैं कि आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया है दुकानदारों के प्रति, जो अवैध वसूली के खिलाफ नगर पालिका द्वारा, मांगीलाल ओझा जी आप बताइए कौन सी वसूली की और कैसे अवैध वसूली की है? ये कल 25 तारीख की घटना है जो कि नगर पालिका द्वारा इधर बगैर राज्य आदेशानुसार और जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का जो फ्री में चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और गंगानगर हनुमानगढ़ दो जिले हैं जिसके अंदर कल नजायज रूप से इधर हमारे हाई स्कूल रोड पे किसी दुकानदार भाई की 6:30 बजे बगैर वसूली कुछ दो कर्मचारी नाकामयाब हो गए। उन्होंने यहाँ से 150 रुपए की रसीदी काटी है और उस रसीदों से आज तक हमारे रायसिंहनगर के अंदर नगर पालिका द्वारा 70 वर्षों तक कभी आज तक कचरे का पात्र का या कभी आज तक कभी रसीद नहीं निकाली। मैं आज मुख्यमंत्री द्वारा SDM राजेंद्र शेखावत को हम घेराव करके जो ज्ञापन दे के आए हैं, भाई हमारे को कल से नगर पालिका द्वारा अगर कोई चेतावनी दी गई है, कल को हमारे से ये वसूली की गई तो हम आमना अनशन पर बैठेंगे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। जय भारत जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।